नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। बटाला में गुरु रामदास रक्तदान संस्था के नुमाइंदों की तरफ से रक्तदानी लोगों को सम्मानित करने के लिए करवाए गए समागम में पंजाब सरकार के मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री बाजवा की तरफ से रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इसी दौरान बाजवा ने पत्रकारों से बात करते हुए निजी पंजाबी चैनल PTC के प्रबंधकों की तरफ से गुरबानी को लेकर दिए गए बयान कि श्री दरबार साहिब से गुरबानी के हुक्मनामे और श्लोकों को लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए भेजा जाता है, जो कि वो नहीं भेज सकते क्योंकि ये केवल PTC के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस पर बाजवा का कहना था कि गुरबानी सभी की सांझी है और हर इंसान गुरबानी को सुबह शाम पढ़ता है और श्रवण करता है। गुरबानी पर सभी का अधिकार है, इसलिए गुरबानी को लेकर व्यापार नहीं होना चाहिए। वहीं बाजवा ने श्री अकाल तख्त के जत्थेदार साहिब को इस मामले को लेकर आगे आने के लिए कहा और गुरबानी के प्रसारण के लिए सभी चैनलों को आज्ञा देने के लिए भी कहा। ऐसे बयानों पर सख्त कदम उठाने की बात भी कही। वहीं पठानकोट में MP सनी देओल की गुमशुदगी के लोगों की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स पर बाजवा ने कहा कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि जनता ने एक एक्टर को वोट डालकर गलत फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पहले ही कहा जा रहा था कि एक एक्टर वोट लेकर वापस बॉम्बे चला जाएगा और कभी नजर नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। वहीं पंजाब में बिजली की बढ़ाई गई दरों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को लेकर बाजवा ने कहा कि पहली सरकारों ने गलत फैसले ले लिए थे जिसके कारण ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, और बिजली के बढ़ रहे दामों को लेकर मुख्यमंत्री पंजाब जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे जिससे जनता को राहत मिल सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। देखो, गुरबाणी साढ़े सारा का जीवन है, साढ़े सारा का मार्गदर्शक है। गुरबाणी पढ़ के ही जीवन शुरू करने, गुरबाणी तो ईवन SGPC का भी हक ने, पर बदकिस्मती की गल है कि एक परिवार ने गुरबाणी को एक बिजनेस बना लिया, वो राही बिजनेस कर रहे, कमाई कर रहे उस बाणी के उस की दूजे चैनल राही। मैं अकाल तख्त जथेदार साहब नूं मैं बेनती करांगा, जथेदार साहब मौका आ गया, एक्शन करो, गुरबाणी नूं आजाद कराओ। हर चैनल नूं आजाद होनी चाहीदी आ कि जिहड़ा भी चाहे वो हरिमंदर साहब तो बाणी का प्रसारण कर सके। बाणी घर घर जानी चाहीदी है, बाणी साडे लई चानण आ, बाणी नूं कोई कैद नहीं कर सकदा। नारायण एक ना पंजाबी हुंदा होया वी इस तरह दी गल्लां कर रहा गलत है। जिहड़ा नान सिख है जिहनूं तुसीं वोट नहीं पाउण दिंदे, उहदा की हक है? जिहड़ा नान पंजाबी है उह गुरबाणी नूं किवें कैद कर सकदा? कोई नहीं कर सकदा। सो उहदी सोच गलत है कि इहदे गुरबाणी राहीं बिजनेस ना करन, इह सब दी सांझी चीज़ है। अकाल तख्त साहिब जथेदार नूं हाथ जोड़ बेनती है, जथेदार साहब उठो, रोज़ रोज़ तुहानूं मौका नहीं मिलना, इतिहास बनाओ, गुरबाणी नूं PTC कोल आजाद कराओ। एक MP सनी देओल, लोगों ने पठानकोट के वे नाँ के पोस्टर लगा दिए हैं कि वोटों तो बाद उन्होंने देखा नहीं गया, वो गायब हो चुके हैं, सानू उन्हों की तलाश आ, गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगे। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो लोगों ने किया ही गलत सीगा, लोगों ने अपनी गलती का एहसास हो गया। सनी देओल जितों आया से उत्थे चला गया, मुड़ के आना भी नहीं। लोगों की बदकिस्मती है तो BJP की गलत सोच है, किसी वर्कर को छड़ के किसी एक्टर को इत्थे भेज। एक बिजली के रेटों को लैके प्रोटेस्ट जारी है जी, आम आदमी पार्टी भी घेरन दी है, भाजपा भी घेरती पई है, और श्रोमणी अकाली दल भी पंजाब सरकार घेर दी। श्रोमणी अकाली दल की देन है, सुखबीर होर की देन है, उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, यहो जहा गलत फैसला किया, यहो जहा गलत काउंटर किया, कुछ चंद पैसों पिछे उन्होंने पंजाब स्टेट का नुकसान करता। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरी तैयार ने, कर रहे ने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री गलत गल है, गलत गल है। सरदार मनमोहन सिंह ने आख्या से भी अपने पावर हाउस लाओ, उन्हें यह नहीं आख्या भी यहोजे गलत कॉन्ट्रैक्ट करो, उन्हें सारे स्टेट में आख्या से, जो गुजरात वाले ने किया तो पंजाब वाले गलत फैसला कोई किया। बिल्कुल असी उन्होंने नाल हाँ, असी बिजली के रेटा बारे सोच रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़न बारे कैप्टन साहब सोच रहे, दसांगे।